अगर फांसी खा के मरता है तो उसका जो है जीभ बाहर निकली हुई है, नाक और मुंह से खून निकला हुआ है। तो हमारे को शक ये है कि पहले उसको जान से मारा गया है, मारने के बाद में उसको तौलिया टांगने वाले स्टैंड पे जो 3.5 फुट का है उसमें लटका करके फांसी का एक ड्रामा रचा गया है कि सब लोग मिले हैं, इसीलिए हम करनाल लेके आए बॉडी को। पंचकुला में डॉक्टर के घर मृत मिली नौकरानी, बाथरूम का दरवाजा तोड़ा तो फर्श पर बैठी थी और गले में था फंदा। परिवारजनों का आरोप कि जहां काम करती थी वहां के लोगों ने मिलकर चंपा की हत्या की है। चंपा बेसिकली नेपाल की रहने वाली थी, हरियाणा के पंचकुला में सेक्टर 4 में डॉक्टर के घर पे नौकरानी का काम करती थी। बताया जा रहा है कि सुबह चंपा नहाने के लिए गई थी, जब दरवाजा ना खुला तो बाथरूम का दरवाजा तोड़कर चंपा को देखने के लिए गए तो चंपा के गले में फंदा था और वह जमीन पर बैठी थी। बताया जा रहा है कि तौलिया टांगने वाले खूंटे के साथ चंपा का रस्सी का फंदा टंगा हुआ था, जिसके बाद पंचकुला पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, परंतु परिवारजनों ने करनाल में पोस्टमार्टम करवाना चाहा तो आज करनाल के मर्चरी हाउस में चंपा का शव रखवाया गया, जिसके बाद शव का पोस्टमार्टम करवा परिवार को सौंप दिया जाएगा। एक बार परिवार से जानकारी ले लेते हैं कि क्या कुछ यह बताना चाहेंगे। अच्छा, तो जब आप वहाँ पर गए तो आपने क्या देखा वहाँ पर जाकर? हमने कुछ देखा ही नहीं, हमको अंदर जाने नहीं दिया था। अच्छा, और पुलिस थी वहाँ पर? हाँ जी, पुलिस मौजूद थी वहाँ पे। तो क्या आपने जब चंपा को देखा था, फेस देखा उसका फेस हमने लगभग 2 बजे करीब में देखा, तो ऐसा लगा था कि उसके मुंह से खून निकल रहा था, ऐसे लग रहा है कि उसके हाथ से मारा गया, उसके गाल पे भी इतना नीला नीला हो रहा था उसमें। मतलब आपको शक है कि हत्या की? हाँ जी, हत्या की गई है। लेके बाथरूम में बस वो हैंगर तौलिया टंगाने हैंगर 4 फीट की हाइट में उसको बैठा दिया गया है और फांसी के उसमें फंदे में फंसा रखा, ऐसे बैठी है वो। होली के कुछ भी नहीं बताती, सही सलामत अच्छी खासी थी। करनाल क्यों लेके आए हो? अब वहाँ पे हमको लगा, विश्वास नहीं कर सकते, वहाँ पे ऐसा लग रहा है कि सब लोग मिले हैं, इसीलिए हम करनाल लेके आए बॉडी को। अच्छा, क्या हुआ था उस दिन वो बताएंगे? उस दिन अब कुछ पता नहीं, कह रहे थे कि अब नाश्ता वास्ता करके नहाने गई थी तो फांसी का फंदा लगा लिया तो बाथरूम में, और वो हैंगर तो ऐसा है कि जैसे बैठते समय में वो करे, वो तो आराम से जैसे लग रहा है कि मार के बिठा गया है, वो तो दिखने में पता चल रहा है। उसके हाथों में नाखून पले हुए थे, या नाखून भी सही सलामत है, उसके पैर में भी सही सलामत है, सब सारा बॉडी सही सलामत है, बस उसका हत्या की गया है। हत्या किया गया है? हाँ जी। तो आप कितनी दूर रहते थे उससे? उससे ज्यादा दूर नहीं, 5 मिनट की दूरी थी। तो आपको बताया गया था? हाँ जी, बताया गया, जैसे कि 12:30 बजे का वो हुआ था, उन लोगों ने बुलाया कि हमको पता चला 12 बजे करीब, हमें भी काम करती हूँ, और जैसे मेरे को पता चला हम भागे दौड़े पड़े, मेरे मम्मी पापा सब लोग भागे दौड़े, मेरे रिश्तेदार सारे भागे दौड़े, तो जब तक पुलिस भी अंदर जाने नहीं दी, पुलिस भी आ गए थे उस टाइम में। हाँ जी, पुलिस से पहले वो लोग दरवाजा तोड़ चुके थे। हाँ जी, तो कुछ निशान ऐसे हैं शरीर पे जिससे पता चले? जैसे हाँ जी, निशान तो है, लगता है कि जैसे गाल पे उसको थप्पड़, हाथ से थप्पड़ मारा गया है। हाँ जी, उसके गाल पे नीला नीला पड़ा था उस दिन। हत्या क्यों करेगा कोई उसकी? अब पता नहीं, वो तो भगवान ने जाने क्या वजह थी। काम करती थी कहाँ पे? काम करती, बच्चों को देखने का काम करती थी, सेक्टर 4 पंचकुला। तो वो क्या करती थी फैमिली जिसके यहाँ काम करती थी? वो फैमिली उसके भैया तो कह रहे थे कि जैसे ठेकेदार थे घर बेचने खरीदने का, और भाभी डाइटिंग के डॉक्टर थे। हाँ जी, तो कोई पैसे की दिक्कत थी? कुछ बताया कि क्या कुछ मामला चल रहा है? ऐसे कुछ बताया नहीं, सब अच्छी खासी थी लड़की, अच्छी सी पढ़ रही थी कर रही थी, तो ऐसा कुछ बताया नहीं था उसने, तो पता नहीं किसने किया, कहां से किया, उस खुद तो हत्या कर नहीं सकती। कोई ऐसी संभावना तो नहीं है कि कुछ गलत हुआ हो उसके साथ? नहीं, वो घर जाने के लिए कपड़े भी खरीद लिए। नहीं, अब वो 1 महीने के बाद वो घर जाने के लिए वो कपड़े भी खरीद लिया था उसने। हाँ जी, सामान भी मंगवाया था, वो सामान भी पड़े है वहाँ पे। कहाँ की रहने वाली है? वो नेपाल की रहने वाली है। यहाँ कब से काम कर रही है? यहाँ आए हुए हमको लगभग हो गया, उस घर में तो 5 महीने हो गए, हमको लगभग हो गया 9 महीने। हाँ जी, कितनी उम्र है? 23 साल है। तो भी पढ़ रही थी कुछ? पढ़ गए, 12वीं पास की है। हाँ जी, काम ही कर रही थी अभी। हाँ जी, कह रही थी बैठने से पहले मैं भी चली जाऊंगी साथ होके, वो खुश होके आई काम करने के लिए, खुशी खासी थी उसने। तो 15 तारीख तक भी अच्छे से बात हुई उससे, तो 16 तारीख का मरे हुए ऐसा फोन आया कि वो मर चुकी है।
16 मार्च को फोन। हाँ जी, किसने किया आपको? वो उसके साथ जो रहती थी मेट, उसी ने किया था। हाँ जी, दो मेट। हाँ जी, उस मेट ने बताया। हाँ जी, वो उसके वो मेट का नाम है क्या कहते हैं, कल्पना। उसने कुछ बताया कि भाई कोई दिक्कत ना? उसने कुछ नहीं बताया, वो वही बोल रही कि खाना खा के और नहाने गई थी नाश्ता करके, तो बाथरूम में लटकी पड़ी थी। ये दिन में लगाई थी? हाँ जी, ये लगभग सुबह की 11:30 की बात कह रहे हैं वो। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं जो परिवार के लोग हैं वो, ये 16 तारीख की बात है। वो मेरा नाम कविता है, मैं उसकी भाभी लगती हूँ, सबसे छोटी वाली भाभी, और बड़े बीच वाली भाभी भी आ रहे हैं नेपाल से, भैया भाभी सब लोग आ रहे हैं। तो तीन दिन तीन घर छोड़ के रहते थे? हाँ, लगभग नहीं, 3-4 मिनट की रस्ती थी। हाँ जी। और हमारे माननीय महोदय SHO साहब का कहना था कि कल्पना जो है ना 16 तारीख की सवेरे 8 बजे पंचकुला आई है, बयानों में कंट्रोवर्सी है, और इसमें कम से कम चार पाँच लोगों हमारे को जो है ना 4-5 लोगों के ऊपर शक है। मकान मालिक, मकान के जो ना हस्बैंड वाइफ, काम करने वाली कल्पना, कोई राजू ड्राइवर है, और चंपा को जिसने नौकरी पे लगाया था वो लड़का अभी फरार चल रहा है। जबकि चंपा की मृत्यु होने के उपरांत चंपा का भाई पुणे से पंचकुला आ गया है, सऊदी अरब दुबई से उनके भाई रास्ते में लगभग करनाल को क्रॉस करके जा चुके हैं, चंडीगढ़ की तरफ हमने रवाना कर दिया। यहाँ हम शोर शराबा हल्ला नहीं चाहते, क्योंकि हमें कानून का साथ चाहिए। हम कानून को हाथ में लेकर के या मतलब और कोई समस्या खड़ी करना नहीं चाहते। नौकरी पे किसने लगाया था, कैसे लगा? जो नौकरी पे लगाया था वो बिरजू नाम का लड़का है, वो फरार चल रहा है, और हमारे को इन पाँच एक लोगों के ऊपर डाउट है। एक ड्राइवर राजू, एक चंपा की मकान मालकन यानी कि ऑर्नर मैडम डॉक्टर, और बिल्डर, और कल्पना, और जिसको बुला करके दरवाजा तोड़ा गया है आर्टिफिशियल, उनके ऊपर। तो कभी पहले कोई झगड़ा हुआ है? कुछ ऐसा कुछ नहीं पता चला, ऐसा कोई अभी तक कोई बात ऐसी नहीं आई। देखिए, ये इस चीज को हम बिल्कुल नहीं मानते। अगर कुंडी लगाई थी तो आपने पुलिस को बुलाया, आपने सॉरी कि जिन्होंने पुलिस को बुलाया, पुलिस के आने का इंतजार करना चाहिए था, और परिजन को दिखाना चाहिए था। परिजन को आपने 2-2.5 घंटे बाद में दिखाया, तो आपने साक्ष्य को मिटाया है, पुलिस को सिर्फ दिखावटी जो है ना फॉरेंसिक जांच करवाने के लिए बुलाया है। तो बॉडी को देख के ये अंदाजा लग रहा है कि हत्या की है? देखिए, कोई भी अगर फांसी खा के मरता है तो उसका जो है जीभ बाहर निकली हुई है, नाक और मुँह से खून निकला हुआ है, तो हमारे को शक ये है कि पहले उसको जान से मारा गया है, मारने के बाद में उसको तौलिया टांगने वाले स्टैंड पे जो 3.5 फुट का है उसमें लटका करके फांसी का एक ड्रामा रचा गया है। क्यों लेके आए हो डेड बॉडी? क्योंकि जहाँ तक हमारे को 2 दिन तक प्रोटेस्ट करने के बाद भी हमारे को जो है ना FIR तक नहीं हुई, तो हमारे को निष्पक्षता का शक था पंचकुला में, इसलिए हम करनाल लेकर के आए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम हरी खरेल है। आज क्या कार्रवाई की जा रही है? आज अब कुछ समय बाद में पोस्टमार्टम होएगा मेडिकल बोर्ड में। पुलिस आई है पंचकुला से? पंचकुला से पुलिस आई हुई है। तो अब आप क्या चाहते हैं? न्याय मांगते हैं, और क्या है, न्याय चाहिए हमें। जो भी सच्चे और तथ्य है, निष्पक्षता के साथ में न्याय चाहिए हमें, क्योंकि जहाँ तक आप लोगों को भी ज्ञात है, सभी को ज्ञात है, फांसी खाने वाले बंदे का जीभ बाहर निकल के, जीभ का कटना, मुँह में से और नाक में से खून निकलना, ये हमने आज पहली बार सुना है। हो सकता है आप लोगों ने कहीं सुना होगा, पर मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा घटना, ऐसा केस पहली बार देखा है। क्या नाम आपका? हरी खरेल।